श्री हजूर साहब तो आई हुई संगत नूं 14 दिन दे लई लुधियाना सिविल अस्पताल दे आइसोलेशन वार्ड च रखन तो बाद अज उन्हां नूं छुट्टी दे दित्ती गई। इस मौके ते यूथ अकाली दल लुधियाना दे प्रधान गुरदीप सिंह गोशा ने संगतां ते फुल्लां दी वरखा करदिआं उन्हां दा सन्मान किया। गोशा ने आख्या कि असी सारी संगतां दे तंदुरुस्त रहण दी परमात्मा अगे अरदास करदे हां। जो जिहड़ी चरण धूड़ लै के आई संगत उन्हां दे चरण धूड़ असी लैण आए हां। कलगीधर पाशाह दी जिहड़ी संगत सी पहलां वी ठीक सी, चलो सरकारां ने अपने काम कर रहे होंदे आ, पर मैं वाहिगुरू दी कृपा दे सदका असी जिथे जिथे इन्हां ने सारी ड्यूटी लाई असी आंदे रहे हां, ते सरकारां दी अपनी मजबूरी कोई हो सकदी है, पर इन्हां नूं कुछ नहीं होया। ते मैं इन्हां नूं इन्हां दे चरणां च अरदास भी करांगा कि बेनती करांगा कि इह भी साडी अरदास करन ते असी जल्दी हजूर साहिब जा सकीए, उत्थों भी आशीर्वाद लै के आईए। हांजी, नहीं मैं बस इही कहना चाहुंदी सीगी कि असी 1.5 महीना हजूर साहिब रहे आ, उस तों बाद इत्थे असी वापस आए आ, इत्थे आ के इन्हां नूं सानूं जिवें भी रख्या, लेकिन साडी जिन्नी भी हैल्प कीती सारी संगत दी कीती। और मैं जदों भी फोन करना गोशा जी और दविंदर जी और इन्हां संस्था जिन्नी भी सीगी सारिआं ने साडी टाइम टू टाइम हैल्प कीती है, और सानू बहुत हर चीज की जरूरत सी, दवाई वगैरह जो भी सी सब सानू बाहरों जाके अंदर प्रोवाइड करते। जागृति लैली लुधियाना तो सुरेंद्र अरोड़ा, सोनी की रिपोर्ट।